क्या आप लोग जानते हो कि ये जो टावर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है उड़ता हुआ टावर, और इसको कहा जाता है फ्लाइंग टावर इन द वर्ल्ड। पर क्या सच में ऐसा है और बाकी क्या ये हवा में टिका हुआ है? देखो, तो आपको ये बताओ कि हवा में नहीं टिक सकता, पर फिर भी ना इसमें यहाँ पे फॉग आता, मतलब कोहरा, बट फिर भी ये टिका हुआ है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। प्लांट्स कभी भी सर्वाइव कर सकते हैं हम इंसानों के बिना, उन्हें हम इंसानों की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इंसान कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते प्लांट्स के बिना, इज़ द ट्रूथ। ये है शिप शिप पॉइंट, शिप शिप पॉइंट, शिप शिप पॉइंट, शिप, ये नाम इस शिप का है, मतलब बहुत सारे अजीब से नाम मिला के चाइना ने, बिकॉज ये ट्रिपल शिप है ना इसलिए। बहुत सारे मुस्लिम अरेबियन है, 90% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन नॉन अरेबियन की तरह मानी जाती है। पहला क्वेश्चन जो हर बच्चे के दिमाग में आता है स्कूल से आने के बाद कि वेयर इज़ माई मॉम, मतलब मेरी माँ कहाँ है, चाहे उसको ज़रूरत हो या ना हो, पर देखने के बाद उसको सुकून मिल जाता है, ये ज़रूरी है। ये है शिकोंगा सिटी टावर, साउथ कोरिया प्लान कर रहा है इसे बनाने का, जो बने पहला दुनिया का LED डिस्प्ले जो इनविजिबल हो सके, बहुत ही बड़ा टावर बन गया तो सही है। जैकी चैन पर्सनली ट्रेन करते हैं अपने स्टंट्समैन को, खुद ही की इनकम से खुद ही उनको खाना देते हैं, खुद ही उनको पैसे देते हैं, 22-24 अगर ये हर्ट हो जाए, जैसे चोट वगैरह लग जाए तो ये इनका ध्यान रखते हैं। बेसेंस से कुछ ऐसे कुत्ते भी हैं इस दुनिया में जो अंधेरे में नहीं देख सकते हैं, वो अंधेरे में सिर्फ सोते हैं क्योंकि उनको दिखता नहीं है। वियतनाम ने ओपन किया है वर्ल्ड का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल, जिसकी टॉयलेट सीट्स, वॉल रूम, यहाँ तक कि कॉफ़ी कप्स भी पूरे तरीके से गोल्ड के होंगे, वो भी रियल। सही है यार, स्पेस सूट का वेट होता है 127 किलोग्राम, तब जब तक एस्ट्रोनॉट्स उसके अंदर बैठता नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति, और उसके बैठने के बाद उसके हिसाब से भी ये अगर कोई 50-60 का हुआ तो फिर भी 150 किलो से ऊपर का होगा उसके अंदर का, तो खतरनाक ही हो जाएगा मामला। मैक्यूला कॉल्किन ये पहला चाइल्ड एक्टर है जिन्होंने $1 मिलियन पहली फिल्म में कमा लिए थे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर इसकी फिल्म देखनी ना आपको बचपन की, तो वो देखना होम अलोन, अच्छी फिल्म थी। एक व्यक्ति ने $20,000 खर्च कर दिया सिर्फ ये साबित करने के लिए कि अर्थ फ्लैट है, पर एक्सीडेंटली इसको खुद ही मानना पड़ा कि वाकई अर्थ फ्लैट नहीं है। इरीना स्ट्रैक ने अपने फैंस को बोला कि तुम मुझे इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दो, क्योंकि मैं सिर्फ जानी जाती हूँ XGF ऑफ रोनाल्डो। तो इनके फैंस को पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने 24 घंटे में इनके 11 मिलियन फॉलोवर ख़त्म कर दिए, फास्टेस्ट डिक्रीज फॉलोवर इन द वर्ल्ड इनका रिकॉर्ड बनाइए। एक्सीडेंटली सही, लेकिन इससे भाई जाने जाने लगी क्योंकि कुछ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, बड़े निगेटिव हो। बर्मिलो की चिकन सिंसर ये बहुत ही सीरियस कीबोर्ड है जो कि सिर्फ एक सीरियस पबजी प्लेयर के लिए ही बनाया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस आर्चरी जो बना था वो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि जिसने ये बनाया था, आर्चरी मतलब जो तीर से फेंकते हैं ना, आपको पता होगा, जिसने ये बनाया था उसके हाथ नहीं थे, तो उन्होंने पैर से तीर को खींच के बनाया था, और बहुत बढ़िया बात है ये। रोने के बाद आपको सुकून मिल जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस, अंदर के सारे गम दुख दर्द को बाहर निकाल देता है। जो लोग आपको अच्छे एडवाइस देते हैं वो एक्चुअली खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, उनका दिमाग तैयार हो जाता है कि किस टाइम पे किसी को क्या देना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, या चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर देना। देखो, ये जो टावर है ये इनविजिबल लिटरली है, इनविजिबली है, क्योंकि इसको हवा में ऐसे टिका रखा है कि इसके नीचे की जो दो मंजिलें हैं जो कि दिखती नहीं है, वो क्योंकि इनविजिबल टाइप बना रखी है, और सिर्फ ये ऊपर का दिखता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है लोगों को। तो इससे एक तरह से पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इसको देखने के लिए खर्च वर्च करना पड़ता है टिकट वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ये कोरिया में है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही बताना था आपको, तो बस भाई, आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, तो कल मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ, ये सच में इनविजिबल है, कोई चीटिंग नहीं, और कोहरे में तो इसका ऊपर का पार्ट भी नहीं दिखता है, और बस यार।